So today our topic is catoptric images. Catoptric images are also known as Purkinje Samson images. हम इन्हें Purkinje images भी कहते हैं और ये वो images होती हैं जो reflection की वजह से होती हैं. अब reflection किन जगहों से? Refracting surfaces से. हमें पता है कि light के different behaviors हैं. Light move कर रही है, अगर हमारी eye में जा रही है तो कुछ light जो है वो reflect करती है via cornea and the lens और retina पे जाके इमेज बना रही होती है जो कि हमें एक्चुअली नजर आ रही है. लेकिन कुछ इमेजेस ये भी होती हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है, बाउंस की रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस से और रिफ्लेक्ट बैक हो गई. वो इमेजेस जो ऐसी होती हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस से बनती हैं हम उन्हें बोलते हैं कैटोप्ट्रिक या फिर Purkinje इमेजेस. ये हमारी आई के अंदर ही फॉर्म होती हैं. अब रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेज हमारी आई में कितनी हैं? 4 रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेज हैं: एंटीरियर सर्फेस ऑफ कॉर्निया, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ कॉर्निया, एंटीरियर सर्फेस ऑफ लेंस और पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ लेंस. रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेज कौन सी होती हैं? कॉर्निया और लेंस, जिससे लाइट आती है, ठीक है, और बेंड हो जाती है आगे किसी भी रिफ्रेक्टिव मीडिया में जब एंटर होती है. एक रिफ्रेक्टिव मीडिया से दूसरी में जा रही है तो रिफ्रेक्शन जो प्रोसेस आ रहा है उसकी वजह से जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो हम उन सर्फेसेस को बोलते हैं रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेस. और वो हमारे पास 2 हैं और उनके 2 पार्ट्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर. अब ये हमारे पास एक आई का स्ट्रक्चर है और इसमें हमारे पास ये एक फर्स्ट रिफ्रेक्टिंग सरफेस है कॉर्निया और ये हमारे पास दूसरी रिफ्रेक्टिंग सरफेस है लेंस. कॉर्निया का आगे वाला पार्ट हम बोलते हैं एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर, और लेंस का एंटीरियर ये है आगे वाला और पोस्टीरियर पीछे वाला. अब जो हमारे पास कॉर्निया है उसका आगे वाली सरफेस जो है वो कन्वेक्स लेंस की तौर पे एक्ट करता है, जबकि जो उसकी पीछे वाली सरफेस है वो हमारे पास कनकेव लेंस की तौर पे एक्ट कर रहा है, बिकॉज उसकी वो अंदर से कनकेव है जबकि ये बाहर से कन्वेक्स है. इसी तरह जो हमारे पास लेंस है वो बाय कन्वेक्स होता है, यानी कि आगे से भी कन्वेक्स है पीछे से भी कन्वेक्स है, तो हम कहते हैं बाय मींस 2, यानी दोनों सर्फेसेस जो है वो कन्वेक्स है. ये हमारे पास रिफ्रेक्टिव मीडिया है. अब हमारी आई में कितनी Purkinje इमेजेस बन रही होती हैं? हमारी आई में अगर 4 रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज हैं तो हर एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से एक एक Purkinje इमेज जो है वो फॉर्म होगी, यानी कि इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 और इमेज 4. इमेज 1, 2, 3, 4 को हम रोमन में लिख रहे होते हैं और हर एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से एक इमेज बनती है. इमेज 1 जो है हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया से बन रही है, यानी कि आगे वाली सरफेस. फर्स्ट सरफेस कौन सी थी? एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया. इमेज 2 जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया से बन रही है, जो कि सेकंड पार्ट थी, सेकंड लेयर थी कॉर्निया की. इमेज 3 जो है वो लेंस के एंटीरियर सरफेस से बन रही है, और इमेज 4 जो है वो लेंस के पोस्टीरियर सरफेस से बन रही है. यानी कि हर वो एक सरफेस जो है वो इमेज बना रही है और हम बाहर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट जो है पोस्टीरियर सरफेस तक जाएंगे, तो वो 4 इमेजेस हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लाइट हमारे पास आई है कॉर्निया पे स्ट्राइक की, उसने एक इमेज 1 बनाई, फिर कॉर्निया के पोस्टीरियर सर्फेस पे इमेज 2, फिर लेंस पे स्ट्राइक की इमेज लाइट, ऑब्जेक्ट से कमिंग जो लाइट है उसने एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस पर फॉल की, तो थर्ड इमेज बनी. और जब फोर्थ इमेज जो है, जब फोर्थ पोस्टीरियर सरफेस पे इसने स्ट्राइक किया, पोस्टीरियर सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो उसने फोर्थ इमेज बनाई. ये है हमारे पास Purkinje इमेजेस, जो कि 4 होती हैं. कैटोप्ट्रिक इमेजेस भी हम इन्हें कहते हैं. अब ये इमेजेस जो फॉर्म हुई हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? जो इमेज 1, 2 और 3 है वो विजुअल और इरेक्ट है, यानी कि स्ट्रेट है, और जैसे ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है वैसे ही ये इमेज भी स्ट्रेट है और विजुअल है, यानी कि नॉर्मल आई से ये नज़र नहीं आती. और जो इमेज 4 है जो कि पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ लेंस से बन रही है, वो हमारे पास रियल और इन्वर्टेड होती है सिर्फ और सिर्फ. अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस.
ऑब्जेक्ट से लाइट आई उसने एंटीरियर सरफेस पे रिफ्लेक्शन शो की और रिफ्लेक्ट बैक होके इमेज वन बनाई, इमेज टू बनी, पोस्टीरियर से एंटीरियर से इमेज वन, थर्ड इमेज लेंस के और पोस्टीरियर से लेंस की इमेज फोर बनी। अब इनकी प्रॉपर्टीज ऐसा क्यों है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट है वन टू और थ्री, जबकि जो हमारे पास फोर्थ लेयर है वो हमारे पास फोर इमेज बना रही है? वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उनमें होता है कि कन्वेक्स लेंस हमेशा एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, जबकि जो कनकेव लेंस है वो हमारे पास रिफ्रैक्शन के केस में जिसमें लाइट बेंड होके रेटिना पे जा रही है उनमें कन्वेक्स लेंस का ये रोल होता है कि लाइट जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। लेकिन जो कन्वेक्स लेंसेज हैं रिफ्लेक्शन के तौर पे जब लाइट स्ट्राइक की और बेंड बैक कर गई, स्ट्राइक बैक हो गई, तो हमारे पास क्या होगा कि कन्वेक्स सर्फेसिस वर्चुअल और इरेक्ट ऑब्जेक्ट जो इमेज की बनाएंगे ऑब्जेक्ट की, जबकि जो कनकेव लेंसेज हैं वो हमारे पास रिफ्लेक्शन में वर्चुअल रियल और इन्वर्टेड इमेज सॉरी बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कॉर्निया की एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेंस की एंटीरियर सर्फेस जो है वो तीनों की तीनों कन्वेक्स लेंसेज हैं, और हमारे पास रिफ्लेक्शन में कन्वेक्स लेंसेज का प्रॉपर्टी ये है कि वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं, जबकि रिफ्लेक्शन के केस में लेंस जो है कनकेव लेंस, ये हमारे पास कनकेव लेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है क्योंकि अंदर वाली सरफेस पे स्ट्राइक किया है। तो हमारे पास ये कन्वेक्स कनकेव लेंस जो है वो रिफ्लेक्शन के केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इस वजह से हमारे पास ये इनकी प्रॉपर्टीज इस तरह से हैं। अब हम अगर इन इमेजेस को स्टडी कर रहे हैं तो उनकी क्या वजह है कि हम इन्हें स्टडी कर रहे हैं? वो इस वजह से कि ये क्लिनिकल यूज में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं। हम इन इमेजेस के थ्रू पता कर सकते हैं कि पेशेंट की आई में कौन कौन से इश्यूज हैं, या हम कोई ये फॉलोइंग चीजें जो हैं हम इन्हें चेक कर सकते हैं। हम पेशेंट का चेक कर सकते हैं कि पेशेंट की आई में कैटरेक्ट है या नहीं है, केराटोमेट्री कर सकते हैं यानी कि कर्वेचर कॉर्निया का मैया कर सकते हैं, हम इन इमेजेस के थ्रू आइडिया लगा सकते हैं कि कर्वेचर कितना है, हम एफेकिया का पता कर सकते हैं कि पेशेंट की आई में लेंस है या नहीं है। उसके अलावा हम हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉर्निया है उसकी जो रिफ्लेक्स है वो सेंटर पे है या नहीं है, या आइदर आगे है पीछे है, उसमें हम ये चेक करते हैं। तो ये हमारे पास क्लिनिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल इमेजेस ये प्ले करती हैं। यूजली तो नॉर्मली ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर हम एक पेशेंट की बात करें तो उसे ये इमेजेस नज़र नहीं है, विजिबल नहीं हो रही होती, ठीक है, जिस वजह से हम उसको नहीं पता कि कैटॉप्ट्रिक इमेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, लेकिन डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल यूज में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल एक कैटरेक्ट का पेशेंट है, उसके लेंस में ओपेसिटी है। अब अगर लेंस में ओपेसिटी है तो लाइट आगे लेंस तक आ रही है लेकिन लेंस के एंटीरियर तक आ रही है, और लेंस में ओपेसिटी होने की वजह से वो पोस्टीरियर पार्ट तक नहीं जा पा रही, तो उसमें हमारे पास एंटीरियर से भी पास करगी कॉर्निया के, पोस्टीरियर से भी पास करगी, एंटीरियर ऑफ लेंस से भी पास करगी, लेकिन फोर्थ तक नहीं जा पाई, जिसकी वजह से फोर्थ इमेज जो है वो एब्सेंट होगी और हमें आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट की आई में कैटरेक्ट है। इस तरह ही एफेकिया में हमारे पास क्या होगा, इमेज एफेकिया कौन सी कंडीशन है जिसमें लेंस एब्सेंट होता है। अब एक कंडीशन ऐसी जिसमें लेंस एब्सेंट है, इसका मतलब है कि लेंस की जो कैटॉप्ट्रिक इमेजेस है वो एब्सेंट होंगी, वो भी नहीं बनेंगी। पेशेंट की आई में इमेजेस जो है लाइट आ रही है तो इमेज वन इमेज टू बन जाएंगी कॉर्निया की वजह से, एंटीरियर पोस्टीरियर कॉर्निया की वजह से, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर लेंस की एब्सेंस की वजह से वो वाली इमेजेस के टॉप ट्रिक नहीं बनेंगी, इमेज थ्री और फोर पेशेंट की आई में एब्सेंट होगी। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट की आई में एफेकिया है। उसके अलावा हमारे पास जो है हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट है, इसमें हमारे पास इमेज वन जो है वो डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की आई में स्क्विंट है या नहीं। स्क्विंट क्या है, डेविएशन ऑफ आई या फिर मिसअलाइनमेंट ऑफ आई। इसमें हमारे पास हम रिफ्लेक्स चेक कर रहे होते हैं कि अगर इमेज वन जो है वो बन रही है वो डिसेंटर्ड तो नहीं है, उसकी प्लेसमेंट ठीक है या नहीं, उससे हम आइडिया लगाते हैं कि पेशेंट की आई में स्क्विंट है या नहीं है। केराटोमेट्री में हमारे पास क्या है कि हम इसमें कॉर्निया का कर्वेचर मैया करते हैं और वो टोटली डिपेंड करती है इमेज वन पे, और इमेज वन पे डिपेंड करिए हमें पता चल जाएगा कि कॉर्निया का कर्वेचर ज्यादा है कर्वेचर कम है।
एक ऑब्जेक्ट है और उस एक ऑब्जेक्ट से लाइट आई, रिफ्रैक्शन हुई, वो रेटिना से बेंड की, बेंड करके रेटिना, सॉरी, कॉर्निया से बेंड हुई, लेंस पे बेंड हुई और रेटिना पे जाके फोकस हो गई। अब उस बेंडिंग के दौरान कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करगी, वो इमेज वन एंटीरियर से, यहाँ से पोस्टीरियर से इमेज टू, फिर लेंस के एंटीरियर से इमेज थ्री और लेंस के पोस्टीरियर से इमेज फोर। और ये सारी इमेजेस होती हैं प्रोटोप्टरिक, जो कि नॉर्मली नजर नहीं आ रही होती, जबकि ये इमेज जो रेटिना पे होती है वो भी वर्चुअल इरेक्ट होती है, लेकिन रियल पाथवे के थ्रू ब्रेन में जाके वो स्ट्रेट हो जाती है, रियल और इन्वर्टेड सॉरी हो जाती है, और पेशेंट को प्रॉपर नजर आ रहा होता है। तो ये वाली जो इमेजेस हैं वो हमारे पास तो जो रेटिना पे इमेज बनेगी वो हमारे पास रियल और इन्वर्टेड होगी, जबकि ब्रेन में जब वो जाएगी प्रोसेस होगी तो वो वर्चुअल और इरेक्ट स्ट्रेट इमेज हमें दिख रही होती है। और बाकी जो रिफ्लेक्शन से हमारे पास लाइट है वो आ रही है, वो हमारे पास क्या होगी, कटॉप्टिक इमेजेस। और ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट किस लिए है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच।